वेलकम एवरीवन। तो हम स्टार्ट करें, हमारे पास जो फीमेल जेनिटल ट्रैक का हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वजाइना। ठीक है, इससे पहले हमने वल्वा के सारे डिसऑर्डर्स कर लिए, वजाइना के कुछ थोड़े से बस डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हम कवर अप करते हैं इंशाल्लाह, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड ऑन सर्विक्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो वजाइना यू नो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ऑफ द फीमेल जेनिटल सिस्टम, दैट इज बेसिकली वजाइना। ठीक है, अच्छा, जो अगर वैसे भी बताया जाए तो प्राइमरी डिजीज वजाइना में एज सच बहुत ज्यादा नहीं होती, ये ज्यादातर ऐसे ही होता है कि सर्विक्स में या फिर पीछे या फिर कहीं और कैंसर बना हुआ या कहीं और पर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसमें वजाइना इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन खुद से वजाइना में डिजीजेज होना जरा कम है। ठीक है, तीन तरह की डिजीज फिर भी हो सकती हैं, कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और नियोप्लास्टिक हो सकते हैं। ठीक है, नियोप्लास्टिक यानी कैंसर कॉजिंग। सबसे पहले जो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी हम कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको नाम बता देती हूँ जो दो चार हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इस तरह की फॉर्मेशन हो, डिफेक्टिव फॉर्मेशन की कंप्लीट एब्सेंस हो वजाइना की, वजाइना फॉर्म ही नहीं हुआ, एक्सटर्नली फीमेल जेनिटल ट्रैक की ओपनिंग नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है हमारे पास कि वजाइना है लेकिन उसमें एक सेप्टम है, एक पार्टीशन है। जैसे नॉर्मली आपको पता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में अगर ये यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद ऐसे करके मतलब ये अंदर से यूं करके फिर ऐसे सर्विक्स आता है हमारे पास और फिर ऐसे करके वजाइना आ जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ओपन होते हैं, इस साइड पे यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये जो वजाइना है अगर इसके बीच में यहाँ पर एक सेप्टम हो, यानी कि ये डिवीजन इसकी पूरी ना हुई भी हो, तो हमारे पास उसको हम सेप्टेट वजाइना कहते हैं। एंड सम टाइम्स दो दो बन जाते हैं तो देर इज डबल वजाइना, तब वो इस तरह से होता है, एक इधर और एक और होता है जो यहाँ पर, मतलब दो आपको ओपनिंग एक्सटर्नल एरिया में नजर आती है, तो उस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। ये सारी कंजेनिटल एनोमलीज है। उसके अलावा हमारे पास कोई सिस्ट हो सकता है कंजेनिटली जो कि प्रेजेंट हो इनसाइड द वजाइना, लेकिन दीज आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, कोई ज़्यादातर इनकी अक्रेंस नहीं है। अगली बात हम जो हमने अब डिस्कस करनी है डिटेल में, वो है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ वजाइना, विच इज कॉल्ड एज वेजिनाइटिस। ठीक है, वेजिनाइटिस इस वजह से जरा इंपॉर्टेंट है लीजन, बिकॉज दिस इज अ कॉमन पैथोलॉजी। ठीक है, ये अनकॉमन नहीं है, कॉमन इस वजह से क्योंकि जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो वजाइना का नॉर्मल फ्लोरा है। ठीक है, वजाइना का हमारे पास आपको पता है कि नॉर्मल फ्लोरा से मुराद है कि वो बैक्टीरिया जो वहाँ पर हमेशा से प्रेजेंट है और डिजीज नॉर्मली नहीं कॉज करते, लेकिन तब कॉज कर सकते हैं जब पेशेंट की इम्यूनिटी लो होगी या उसमें कोई डिजीज और चल रही होगी किसी किस्म की पैथोलॉजी, तो तब वो बैक्टीरिया जो है वो लो इम्यूनिटी पे एक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अगर अपने ही मतलब वजाइना का नॉर्मल फ्लोरा ही एक्टिव होके वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा तो दैट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, विच इज कॉल्ड एज वेजिनाइटिस सिंपली। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास ये वेजिनाइटिस है, ये इसके बहुत सारे लाइक क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बहुत सारी इसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन इसमें चीज़ इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेशन में, वो हमारे पास वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना है, जिसको हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं। बहुत ही कॉमन है, दिस इज सो मच कॉमन कि आपको हर दूसरा बंदी, हर फीमेल बता रही है कि भाई मुझे ल्यूकोरिया हो गया, मतलब जिनको इतनी इंग्लिश टर्म्स नहीं पता दे ऑल्सो नो अबाउट ल्यूकोरिया, बिकॉज दिस इज अ वाइटिश वजाइनल डिस्चार्ज। अब ल्यूकोरिया की सिर्फ एक यही कॉज नहीं है, वेजिनाइटिस ही सिर्फ उसकी कॉज नहीं है, ल्यूकोरिया और भी बहुत सारी कंडीशंस में होता है वाइटिश वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन वन ऑफ दोज कॉजेज इज वेजिनाइटिस। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है इस वेजिनाइटिस में, आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास हमारे वजाइना में जो नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब कभी भी कोई ऐसी कंडीशन आती है, सपोज डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को या प्रेगनेंसी की कंडीशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं, या फिर कोई और इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट आती है, तो हमारा बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन वजाइना में कर देता है। सबसे जो दो कॉमन है वो सबसे कॉमन इज फंगल कैंडिडल इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकन्स, आपने फंजाए पड़ी है, हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करने के कॉजेटिव, मतलब ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बहुत कॉमनली होती है। जब आप लोग मतलब कोई फीमेल इस कंप्लेन के साथ जाती है कि वजाइना से मतलब वाइटिश, थिक वाइटिश डिस्चार्ज आ रहा है और साथ शदीद इचिंग है और बर्निंग सेंसेशन है, तो उसको सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन ही कंसिडर किया जाता है और एंटी फंगल ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो जो इसमें फीचर्स आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, वो आपका थिक डिस्चार्ज है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर कि जो कैंडिडल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हमेशा थिक वाइटिश वर्जाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, कर्डी लाइक है, जैसे दही जिस तरह होता है ना, कर्ड टाइप, मतलब कितना थिक होता है दही, उस तरह का नहीं, लेकिन वो हमारे पास जो तो कर्डी लाइक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो ट्रिकोमोनियासिस है, कि हमारे पास जो ट्रिकोमोनास वेजिनालिस, तो दूसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रिकोमोनास वेजिनालिस ऑर्गेनिज्म है जो हमारा
वो भी कर सकता है, और वो जब करेगा उसे हम ट्रिकोमोनियासिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो इसका डिस्चार्ज होता है वो ग्रे होता है एंड समवट लेस थिक होता है एज कम्पेयर टू द डिस्चार्ज ऑफ कैंडिडा, ठीक है। तो बस ये एक डिफरेंशिएटिंग मेन फीचर है कि इसमें थिक वाइटिश कर्डी डिस्चार्ज है, इसमें थिन ग्रे डिस्चार्ज होता है हमारे पास वजाइना से, और दोनों में इचिंग साथ होती ही होती है, ठीक है। तो जो हमारा ये कैंडिडा है दिस इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, और ट्रिकोमोनियासिस जो होता है ट्रिकोमोनास दिस इज अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो ये भी इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है। तो दिस इज लाइक हमारे पास वजेनाइटिस है, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो फिर हमें पॉजिटिव एजेंट रखते हैं, जिस तरह का पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, अगर हमें कोई लगेगा कि ये कैंडिडा है तो एंटीफंगल दे देंगे, अगर ट्रिकोमोनियासिस टाइप की कंप्लेन होगी तो दिस इज अ पैरासाइट, तो फिर हम एंटी पैरासिटिक एल्बेंडाजोल वगैरह की तरफ, मतलब जो भी उसकी सूटेबल ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होगा तो फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। लेकिन बैक्टीरियल जो है वो उससे ज़्यादा ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर वेजेनाइटिस खत्म हुआ, बाकी मैं आपको अगले पार्ट में मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स बता देती हूँ। अभी तक कोई भी मसला हो ये कि नास्मिन है।